ओ भाई लखनऊ जा रहा है तो संभल के जाइयो, योगी बैठा है बक्कल तार देगा। जी हाँ, ये डायलॉग उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में कार्टून भी बनाया गया था जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट के जरिए किसानों को साफ साफ धमकी दी गई थी। दरअसल ये पोस्ट 29 जुलाई की है, वो भी उस समय जब किसानों ने लखनऊ घेरने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर शेयर किया गया था। एक साल से आंदोलनकारी किसानों ने काफी कुछ सहा, क्योंकि यही बीजेपी के नेता उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली आदि कहकर नामों से पुकारते थे। लेकिन आज जब उनके आका तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो कई सवाल लोगों के मन में उठने लगे, क्योंकि मोदी ने माफी तो मांगी लेकिन उन शहीद किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला जिन्होंने कानून वापस लेने के लिए अपनी जान गंवा दी। साथ ही उन नेताओं और मंत्रियों की गलती की भी माफी मोदी ने नहीं मांगी जिन्होंने किसानों को ना जाने क्या क्या कहा। हालांकि चुनाव आया तो डंकाधिपति ने उनकी खिसकती जमीन को वापस पाने के लिए बिल वापस लेने का डंका तो बजा दिया, लेकिन वो भूल गए कि किसान जो एक साल से बिना डरे डटा है वो MSP पर भी गारंटी के लिए बिना वापस नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और MSP की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की MSP पे कोई खरीद नहीं होती। MSP का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। मीडिया के सामने बिल वापसी का तो PM ने ऐलान कर दिया, लेकिन किसान संसद में इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। खैर, ये होगा या नहीं, लेकिन ये तो साफ है कि PM मोदी को उन किसानों के लिए भी माफी मांगनी होगी जिन्होंने इनकी नादानी और ईगो की वजह से जान गंवाई है।